चौतीस अस्वाध्याय। शास्त्रों की स्वाध्याय करने के लिए कब कब नहीं चलता है, यह ठानांग सूत्र में बताया गया है, जिसमें आकाश की यानी आसमान की 10 अस्वाध्याय। पहली, बड़ा तारा आकाश से गिरे तो एक प्रहर तक अस्वाध्याय। दूसरी, चारों ही दिशा जब तक लाल रहे तब तक अस्वाध्याय। तीसरी, अकाल में गर्जना हो तो दो प्रहर तक अस्वाध्याय। चौथी, अकाल में बिजली चमके तो एक प्रहर तक अस्वाध्याय। पांचवी, अकाल में कड़ाका होवे तो अहोरात्रि तक अस्वाध्याय। छठी, शुक्ल पक्ष की एकम बीज तीज की रात प्रहर रात्रि तक अस्वाध्याय। सातवी, यक्ष का चिन्ह होवे तब तक अस्वाध्याय। आठवीं, वर्षा ऋतु में ओले गिरे तो अस्वाध्याय। नववी, शीत ऋतु में धुदल गिरे तो अस्वाध्याय। दसवीं, ग्रीष्म ऋतु में आकाश धूल से भर जाए तो अस्वाध्याय होती है। अब औदारिक शरीर की 10 अस्वाध्याय। पहली, तत्काल की गिली हड्डी गिरी हो। दूसरी, मांस पड़ा हो। तीसरी, खून गिरा हो। ये तीनों तिर्यंच पंचेंद्रिय के हो तो 60 हाथ के भीतर और मनुष्य के हो तो 100 हाथ के भीतर अस्वाध्याय का कारण है। इनका काल 3 प्रहर का है, परंतु हत्या करने से मरे हो तो 1 दिन रात की अस्वाध्याय होती है। चौथी, विष्टा आदि दिखाई देती हो या दुर्गंध आती हो तो अस्वाध्याय। पांचवी, मुर्दा जलता हो यानी लाश अगर जलती हो तो अस्वाध्याय। छठी, चंद्र ग्रहण हो तो जगन्य 8 उत्कृष्ट 12 प्रहर का अस्वाध्याय। सातवी, सूर्य ग्रहण हो तो जगन्य 8 उत्कृष्ट 16 प्रहर की अस्वाध्याय। आठवी, बड़ा राजा मरे तब नया राजा न बने तब तक अस्वाध्याय। नववी, निकट में संग्राम चले जब तक युद्ध चले तब तक अस्वाध्याय। दसवीं, पंचेंद्रिय का प्राण रहित शरीर पड़ा हो तब तक अस्वाध्याय होती है। अब काल की 14 अस्वाध्याय। पहली, चैत्र सुदी पूनम को अस्वाध्याय। दूसरी, वैशाख वदी एकम को अस्वाध्याय। तीसरी, आषाढ़ सुदी पूनम को अस्वाध्याय। चौथी, श्रावण वदी एकम को अस्वाध्याय। पांचवी, भादवा सुदी पूनम को अस्वाध्याय। छठी, अश्विन वदी एकम को अस्वाध्याय। सातवी, अश्विन सुदी पूनम को अस्वाध्याय। आठवी, कार्तिक वदी एकम को अस्वाध्याय। नववी, कार्तिक सुदी पूनम को अस्वाध्याय। दसवीं, मिक्सर यानी मृगसर वदी एकम को अस्वाध्याय। ग्यारहवीं, प्रातः काल में अस्वाध्याय। बारहवीं, संध्या काल अस्वाध्याय। तेरहवीं, मध्यान्ह काल अस्वाध्याय। और चौदहवीं, मध्य रात्रि काल अस्वाध्याय। अंतिम 4 जो अस्वाध्याय है उसका संधिकाल 1-1 मुहूर्त का है। विशेष, कालिक सूत्र की दिन व रात के प्रथम तथा अंतिम प्रहर यानी पोर्सी में स्वाध्याय कर सकते हैं। आद्रा नक्षत्र प्रारंभ से स्वाति नक्षत्र पूर्व तक गर्जना बिजली की अस्वाध्याय होती है। होली जले तब तथा धुलेटी के दिन भी अस्वाध्याय काल समझना। स्वाध्याय खुले मुंह नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये 34 अस्वाध्याय है। इस तरह अस्वाध्याय की इन बातों को जानकर समझकर हमें अस्वाध्याय टालते हुए स्वाध्याय के समय स्वाध्याय कर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जय आनंद।